नमस्कार, अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 30 मई और वार है गुरुवार। शो में हम बात करेंगे रूस के निर्यात की कीमत जो बढ़ी है उसके बारे में। रूस में गेहूं के निर्यात की एक सप्ताह पूर्व की तुलना में पिछले सप्ताह रूस से गेहूं की निर्यात कीमत में तेजी आई। विशेषज्ञों ने कहा कि कमजोर मौसम और बिजाई की सुस्त गति की वजह से उत्पादन में कमी आने की आशंकाएं जताई जाने से गेहूं की निर्यात कीमत में तेजी आई है। उत्पादन 6 सालों के निचले स्तर पर आ जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यहाँ स्थित एक सलाहकार आईकिया ने कहा है कि फ्री ऑन बोर्ड आधार पर जून अंत में डिलीवरी वाले 12.50 प्रोटीन वाले रूस के गेहूं की कीमत आलोच सप्ताह में $247 प्रति टन रही, जो कि इससे पूर्व सप्ताह में $239 थी। औद्योगिक विशेषज्ञ इस वर्ष के संभावित उत्पादन और निर्यात के अपने अपने पूर्वानुमान को लगातार घटाते जा रहे हैं, क्योंकि चालू मई महीने में बर्फबारी हुई है और दक्षिणी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में सूखा पड़ा है। वहीं साइबेरिया में जमा पानी का तो अभी तक कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। रूस से कृषि मंत्रालय के अनाज निर्यात के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं, लेकिन नवनियुक्त कृषि मंत्री ने कहा कि बर्फबारी के चलते फसलों को हुए नुकसान की वजह से देशव्यापी आपदा की घोषणा की जा सकती है। रूसी ग्रेन यूनियन के प्रमुख ने कहा है कि चालू बसंत ऋतु में हुई थोड़ी बर्फबारी की वजह से देश में करीब 15 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें खराब हुई हैं। स्वाइको ने कहा कि गेहूं की नई फसल के लिए भी मौसमी परिस्थितियां लगातार प्रतिकूल बनी हुई हैं। अपने एक साप्ताहिक नोट में सलाहकार ने कहा कि 41 लाख हेक्टेयर में बासंती गेहूं की बिजाई हुई, जो कि सीजन 2018 के बाद की सबसे कम बुवाई है।